ये कौन लोग हैं, इन्हें सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो भेजिए सलाखों के पीछे, देखते इंतजार करते हैं आपकी पुलिस का। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार, मेरे यूट्यूब मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। दर्शकों, सीधा सा सवाल है मेरा, लाखों और करोड़ों रुपए उधार की तो बात छोड़ो, अगर आपने किसी को मात्र 500 रुपए भी दे रखे हैं तो आप उसी से तो मांगोगे कि या उसके पड़ोसी से मांगने लगोगे? इसी तरीके से बीजेपी मोदी सत्ता में है तो सवाल तो इन्हीं से होंगे ना कि विपक्ष से होंगे, और जब इनसे सवाल करो तो अरुण यादव जैसे भैंस चराने वाले लोग हैशटैग चलाते हैं ट्विटर पे कि गिरफ्तार करो। सत्ता की चाटने वाले अरुण यादव जैसे लोगों की निगाह के अंदर पत्रकार है अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर तिहाड़ी, रूबिका लियाकत, अंजना कश्यप और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी पत्रकार हैं वो सब देशद्रोही और गद्दार हैं। किस तरीके से आज अधीर अंजुम ने गिरफ्तार अभिसार शर्मा हैशटैग के ऊपर अपना वर्चस्व रखा है ये देखिए आप। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे, तो ये सब दलाल हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, इन्हें जेल भेज दो और सबको सलाखों के पीछे भेज दो। ये पांच ही नहीं, ऐसा और होंगे 25-50। मैं जानता हूं बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर अभी इस पोस्टर में टारगेट पर हम हैं और आप पहचान रहे हैं। फिर मैं नाम बता दूं, ये प्रसून जी हैं, प्रसून जोशी, पुन प्रसून वाजपेयी, ये अजीत अंजुम है, ये अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम मैं हूं, जानते हैं आप, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और साक्षी जोशी। अरे रवीश कुमार ने इतनी शानदार स्टोरी की है, 2014 के पहले के 10 साल को देखेंगे रवीश की रिपोर्ट, गांव गांव शहर शहर ऐसे ऐसे जगह पर रवीश गए जहां कोई नहीं जाता था, किसकी सरकार थी तब, और कौन वहां शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली पर बात करता था, रमेश ने किया। लेकिन आज किससे पूछेगा, क्योंकि आज मोदी जी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने की है, देश की तकदीर तस्वीर बदलने की बात मोदी जी ने की है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें मोदी जी ने की थी और वर्ल्ड में नंबर 3 पहुंचाने के दावे मोदी जी ने किए हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी होने से लेकर हर सिर के ऊपर छत से लेकर और हर गरीब हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, यह मोदी जी ने कहा था, लोगों को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे टाइप के जुमले जिसको अमित शाह ने कह दिया जुमले, यह मोदी जी ने कहा था, और कितना गिनाऊं। तो ये जब सब मोदी जी ने कहा था तो सवाल तो मोदी जी से होंगे ना, सवाल मोदी और शाह की सत्ता से होंगे ना, और जब सवाल होंगे तो यही होगा कि सबकी घेराबंदी होगी और कोई उठेगा सुबह सुबह और ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगेगा कि ये सब लोग दलाल हैं और ये सब लोग एजेंट हैं और इन सबकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, सब पे एनएसए लगा दो, एनएसए लगाओ और हम सबको जेल में भेज दो, हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। लेकिन फिर कह देते हैं कि आपके ऐसे हजारों ट्वीट्स जो आप कर रहे हैं, लाखों कर दीजिए, करोड़ कर दीजिए, आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग है, फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम बोलते हैं बोलते रहेंगे, सवाल जिसे पूछते पूछते रहेंगे, और सवालों के केंद्र में मोदी और शाह की सत्ता है, सवालों के केंद्र में वो हैं जो 80 दिन तक मणिपुर पर चुप है, 76 दिन तक गए नहीं और संसद में दाएं बाएं की बात की, 2 घंटे 14 मिनट में 2 मिनट बोले और उसमें भी बहुत काम की बात नहीं थी, तो बात होगी, सवाल होंगे, और देश में जो अनरेस्ट हो रहा है, देश में जो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, देश में जो तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, कितने सवाल हैं, ये कौन पूछेगा? क्या आप चाहते हैं सब आपको सिर्फ चौधरी चोपड़ा, देवगन और क्या बताऊं, गोस्वामी हो जाए? नहीं होंगे, कर लो, करो ट्रेंड, कहो अपने आकाओं से गिरफ्तार कराने के लिए, करवाओ चेक हमारी फाइलें, सब कुछ सरकार के पास तो सब कुछ है, करवाओ, देखते हैं, रहेंगे जेल में 1-2 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ताकत, ये वो नैतिक बल है, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 5-10 साल में 2-2 हजार करोड़ कमा लिए, बिल्डिंगें बना ली, चैनल 2-2 हजार करोड़ के शुरू किए, क्योंकि सरकार की चापलूसी करते हैं, वो सब आपको पसंद है? कोई जेल में गया हुआ आदमी आज का सुपरस्टार है, राष्ट्रभक्त, कोई 10 साल पहले कहीं नौकरी करता था, 2 हजार करोड़ का मालिक है, और हम जैसे लोग अगर यूट्यूब पर दिन रात मेहनत करके सवाल सरकार से पूछते हैं, उससे भी इसकी जिम्मेदारी है, तो आपको दिक्कत है? आप ट्रेंड कराएंगे अरेस्ट अभिसार शर्मा, अरेस्ट अजीत अंजुम, एनएसए लगाओ, गिरफ्तार करो, करो गिरफ्तार, कहो अपने मोदी जी से, कहो अमित शाह जी से कि इन सबको गिरफ्तार करो, अगर मोदी जी आपके सिर्फ हैं तो, और अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, और अगर उन्हें लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था, जिसमें कभी कभी शक होता है, तो वो भी मानेंगे कि लोकतंत्र में असहमति की आवाजों की जरूरत है, हालांकि वो नहीं मानते हैं, इसलिए ये दौर है, क्योंकि पत्रकारों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है, पत्रकारों ने, बड़े संस्थानों ने सरकार के सामने चापलूसी का ऐसा गलीचा बिछाया है कि सरकार को लगता है यही लोग हैं, यही सही है, यही मुफीद है हमारे लिए, ये कौन लोग हैं, इन्हें सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो भेजिए सलाखों के पीछे, देखते इंतजार करते हैं आपकी पुलिस का। और फिलहाल इस वीडियो को इसलिए खत्म करते हैं कि हमें दर्शकों पर भरोसा है, वो 40 लाख लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर, वो रवीश कुमार को लाखों करोड़ों देखने वाले लोग, वो साक्षी जोशी को लाखों देखने वाले लोग, या पुण्य प्रसून वाजपेयी को लाखों देखने वाले लोग, वो हमारे दर्शक हैं, वो जानते और समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और हमारा बोलना क्यों जरूरी।